सब्सक्राइब कीजिए होम कुकिंग विद नौशीन को, बेल बटन को प्रेस कीजिए आने वाली हर वीडियो को। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम कुकिंग विद नौशीन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है साबूदाने की खीर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक बिग लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। तो देखते हैं इसके लिए क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। यहाँ पर एक कप साबूदाने को मैंने 2 टेबलस्पून पानी में सोख करके रख दी थी और इसे मैंने 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है और अब ये फूल के बिल्कुल तैयार है खीर बनाने के लिए। तो चलिए इसे फटाफट से खीर बनाते हैं। मैंने 1/2 लीटर दूध ले लिया है और इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की है अभी। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना जो कि हमने सोख करके रखा था। इसे ऐड करने के बाद हम इसे स्पून से मिक्स करते रहेंगे। अभी हमें साबूदाने को अच्छे से गला लेना है ताकि जो साबूदाना है वो अच्छे से गल जाए और बिल्कुल रबड़ी और फिरने तरीके से तैयार हो जाए। तो अभी इसे हम मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, फुल फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं फुल फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक कुक करने के बाद ये इस तरीके से उबलने लगता है और ये बहुत ही अच्छा से उबाल आ रहा है अभी इसमें। इसे कंटिन्यूस हम मिक्स करते जाएंगे ताकि ये एक दूसरे में चिपके ना और बहुत ही अच्छे से फिरने तैयार हो जाए। अब इसमें हम डाल रहे हैं शक्कर 1 कप और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। जो किनारों पर लग रहा है उसे हमें साइड से हटाते जाना है ताकि ये जले ना और बहुत ही अच्छे से फिरनी तैयार हो जाए। गैस हमारी अभी भी फुल पर ही है और अभी हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ येलो फूड कलर। इस स्टेज पर आप सैफ्रन का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर येलो फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा इससे। और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। देखिए अब हमने फ्लेम को लो पर कर लिया है और इसे बहुत अच्छे से पका लिया है हमने, बिल्कुल फिरनी तरीके से कुक कर लिया है, जिस तरीके से फिरनी होती है और या फिर रबड़ी भी होती है उस तरीके पे आ चुका है। तो देखिए इस तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए साबूदाने की हमारी रबड़ी और फिरनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिए है काजू, बादाम, चारुली, पिस्ता और किशमिश। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसका फ्लेवर है वो भी इस रबड़ी में आ जाए। देखिए हमारी फिरनी पूरी तरह से रेडी है। और अभी हम करेंगे इसे सर्व। चलिए हमने गैस को ऑफ कर लिया है और इसे अभी हम करेंगे सर्व। तो देखिए हमने फिरनी और रबड़ी को सर्व कर लिया है और इसे गार्निश किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक बड़ा सा लाइक दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।